जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक्टिव लश्करे तौयबा मॉड्यूल के एक आतंकवादी को दबोचा गया है। इस आतंकी का नाम रियाज अहमद है। रियाज अहमद भारतीय सेना का जवान था और पिछले ही साल 31 जनवरी को रिटायर हुआ है, लेकिन देश की सेवा और रक्षा की कसम खाने वाला रियाज अहमद आतंकी निकला। भारत का नमक खाकर रियाज अहमद पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था। रियाज अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। रियाज अहमद की बातचीत लगातार पीओके में बैठे आतंकवादियों से चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रियाज अहमद दिल्ली क्या करने आया था। इसके अलावा रियाज अहमद पीओके से ऐसी क्या चीज लेकर आया था जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्करे तैयबा पुलवामा हमले की बरसी यानी 14 फरवरी पर किसी रेलवे स्टेशन या किसी नामी ट्रेन में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। हो सकता है कि रियाज अहमद इसी सिलसिले में दिल्ली आया था, लेकिन पुलिस ने इस आतंकी को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि रियाज अहमद पीओके से बेहद ही खतरनाक हथियार लाया था। इस पूरी कार्रवाई में रियाज अहमद के कुछ साथियों को भी पकड़ा गया है। ये आतंकी पीओके से 5 AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां लाए थे। इनको पीओके से कई पिस्तौलें भी पहुंचाई गई थी। ये सभी भारत की जानकारियां पीओके में बैठे आतंकवादियों को दे रहे थे। ये आतंकी पीओके से भारत में हथियार पहुंचाने का काम करते थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंध रखने वाले एक डॉक्टर निसार उल हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट, टीचर फारूक अहमद मीर और एक लैब कर्मचारी अब्दुल सलाम को भी गिरफ्तार किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसी साजिश चल रही है।